निर्भया के दो हत्यारों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज। हमारे साथ निर्भया के हत्यारों के वकील एपी सिंह साहब हैं, इनको आप सब जानते हैं। निर्भया के हत्यारे जो हैं, यानी आपके जो क्लाइंट जो हैं, वो फांसी के फंदे के और करीब चले गए। हाँ नहीं, आपके हिसाब से करीब चले गए, हमारे हिसाब से तो अभी उन्हें डॉक्यूमेंट ही नहीं मिले। जो मैंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं 8 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट से हमने एप्लीकेशन लगा के मांगे, फिर 10 जनवरी को तिहाड़ जेल की दोनों जेलों से हमने डॉक्यूमेंट मांगे कि डॉक्यूमेंट हमें कर दो, फिर हमने 13 तारीख को, फिर अभी 13 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट मांगे। तिहाड़ जेल के अधिकारी हमें डॉक्यूमेंट देने में तो विलम्ब आराम से लगा रहे हैं, लेकिन फांसी की रस्सी को मक्खन लगाने में बड़ी तेज़ी लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं। जो ये क्यूरेटिव फाइल किया था, ये बिना डॉक्यूमेंट के किया था? नहीं, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास थे, लेकिन फिर भी हमें वो डॉक्यूमेंट चाहिए कि कितने दिन तक इनको 2012 से 2019 तक अब तक कितने दिन अलग रखा गया, तन्हाई में रखा गया, कितने दिन की घटनाएं हुई, कितनी इनके साथ मारपीट हुई, कितना इनके साथ घटनाएं हुई, कितनी बार बीमार रहे, कितना बार, ये सारे मेडिकोवर आल डॉक्यूमेंट हमें इन सब चीज़ों के लिए ही चाहिए, वही हमने डॉक्यूमेंट मांगे थे इस स्थिति में। लेकिन वो देने में, और कोर्ट भी इतनी वाइस्ड है, जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं कर रही है कि वो हमें डॉक्यूमेंट सप्लाई करा दें। अब एक बात बताइए, 4 में से 2 की क्यूरेटिव पिटीशन आई थी, 2 की तो अभी बाकी रह गई, तो अब तो यही कहा जाएगा कि वकील अपनी वकालत दिखा रहा है और विलम्ब के लिए सब सारा कुछ कर रहा है। ना, हम तो कहाँ विलम्ब, आपको पता है 2012 से डे टू डे ट्रायल हुआ, आप भी थे, हम भी थे, लगातार हम पेश होते थे, कभी एब्सेंट तो नहीं हुए। दिल्ली हाई कोर्ट में डे टू डे हियरिंग हुई, कभी एब्सेंट तो नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हियरिंग हुई, कभी एब्सेंट तो नहीं हुए। तो लगातार 2012 से प्रोसेस कर चल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को करना, न्याय के लिए लड़ना, न्याय उपलब्ध कराना, इसलिए कि ये आतंकवादी नहीं है, इसलिए किसी जाति धर्म संप्रदाय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। हाँ, अगर ये आतंकवादी होते, अगर ये किसी क्षेत्र संप्रदाय जाति और धर्म से संबंधित होते, तो इनके लिए आवाज़ उठाने वाले इस देश में मिल जाते, एक मीडिया का पक्ष भी मिल जाता, एक बात बताइए, जनता का पक्ष भी मिल जाता। जो बात तो बता लीजिए, जो दो लोगों की क्यूरेटिव पिटीशन आपने नहीं दायर की है, वो कब दायर कर रहे हैं? वो जैसे ही हमें डॉक्यूमेंट मिलेंगे, पवन कुमार और अक्षय कुमार सिंह के जैसे डॉक्यूमेंट मिलेंगे, हम उसको आगे प्रोसीड कर देंगे। और जो दो लोगों की याचिका खारिज हो गई क्यूरेटिव, उनके लिए ऑर्डर मिलेगा, और उनके लिए राष्ट्रपति के पास कब जाएंगे? उनका ऑर्डर मिलेगा, फिर उसके बाद हमें जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति क्या, दया याचिका लगाने का बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है, ये दया याचिका है, मर्सी है, तो हम मर्सी के आधार पर उनसे जो डॉक्यूमेंट हमें जेल से चाहिए, उनके परिवार से चाहिए, उनके हम कलेक्ट करके उसको हम लगाएंगे। तो मतलब 22 तारीख को फांसी होती हुई दिख रही है क्या आपको? नहीं, वो तो आप डिसाइड करेंगे, डिसाइड तो मीडिया करती है, मीडिया डिसाइड करती है शुरू से ही। फांसी तो अदालत, देश में अदालत डिसाइड करती है, मीडिया डिसाइड करती है। फांसी तो आपने जब निर्भया जिंदा थी तभी फांसी की मांग कर ली थी, और ये राजनीतिक मर्डर था, निर्भया की हत्या नहीं की मुलजिमों ने, वो एक राजनीतिक हत्या थी, और राजनीतिक हत्या की वजह से उसमें 302 इन्वॉल्व करने के लिए ऐसा किया गया। मतलब ये कि ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी, हाई कोर्ट ने मुहर लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगाई, क्यूरेटिव पिटीशन के लिए आए थे, क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो गए, फिर भी निर्भया के हत्यारों के वकील ये कह रहे हैं कि उनके निर्भया के जो हत्यारे हैं ये बेगुनाह हैं। दरअसल इनके प्रोफेशन की बाध्यता है, लीगल ऑब्लिगेशन कहेंगे इसे, कि अभी भी और आखिरी दम तक अपने क्लाइंट को, निर्भया के गुनहगारों को बचाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। कैमरामैन कलिकांत झा के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।